तो भैया ब्लॉग तो सभी लोगों की हो गई, कस्टमर केयर से फ़ोन करके बात भी कर लिया, साला सब खुल रहा है, बस वो वाली वेबसाइट नहीं खुल रही। भैया ऐसे खुलेगी भी नहीं, क्योंकि हाल ही में अभी लगभग सारी टेलीकॉम कंपनियों ने बहुत सी वेबसाइट्स को अपने ऑपरेटर पर ब्लॉक कर दिया है। अब चाह कर भी नहीं खुलेगी। लेकिन भैया जी एक रास्ता है जिससे आप अपने ऑपरेटर की लगाई हुई रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करके स्टार्ट से निकल सकते हैं। तो अगर आपको जानना है भैया तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, और ये जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देख रहे हो भैया जी शो सलमान के साथ। हाँ तो भैया हम बात कर रहे थे वेबसाइट्स के रेस्ट्रिक्शंस की। भैया कल ही रात में खुली थी, अब क्यों नहीं खुल रही? तो भाई जब कोई कंटेंट आपके देश में ब्लॉक कराया जाता है तो उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीधी तरह से तो नहीं खुलती वो वेबसाइट्स जिसको खोलने की कोशिश आप कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस वेबसाइट्स को अनब्लॉक कैसे करें। तो भैया हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे, भैया जी बताएंगे आपको कैसे अपने एरिया की ब्लॉक वेबसाइट्स को खोलना है। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक अच्छे से वीपीएन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि वीपीएन होता क्या है और ये काम कैसे करता है। वीपीएन का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक नेटवर्क की टेक्निक है जो पब्लिक नेटवर्क में जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि वाईफाई में सेफ कनेक्शन बनाता है। बस ऐसा समझिए कि जो आप चला रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ आप ही देख रहे हैं। कोई हैकर्स या आपकी सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मालूम चलेगा कि आप वाकई में कर क्या रहे हो। कुल मिलाकर आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान एकदम गुप्त रखी जाएगी। वीपीएन को सबसे अहम काम होता है आपके कनेक्शंस को या फिर आप इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे हो उन सभी को सेफ रखना। उसके साथ साथ वीपीएन का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंटरनेट पर जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने देश में एक्सेस नहीं कर सकते, तो ये वेबसाइट्स हम वीपीएन की मदद से आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जो वेबसाइट्स आपको पहले देखने की इजाज़त नहीं मिलती थी, अब वो वेबसाइट्स वीपीएन के जरिए आप देख सकते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। कुछ फ्री वर्जन्स के हैं तो कुछ पेड वर्जन्स के भी हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों पर वीपीएन काम करता है। कैसे इंस्टॉल करना है? अगर आप अपने मोबाइल में वेबसाइट्स को खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से उस वीपीएन ऐप को पहले डाउनलोड करना होगा, फिर आप उसे इंस्टॉल करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे अपने मोबाइल में वीपीएन को यूज़ करना है। सबसे पहले वीपीएन 360 को डाउनलोड कर लें। उसके बाद उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में आपको जहाँ पर डिस्कनेक्टेड लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसा ही आप क्लिक करेंगे वो ब्लैक बटन ऐसे ग्रीन हो जाएगा। बस अब आप जो भी वेबसाइट्स खोलना चाहते हैं वो एकदम रेडी हो गया आपके सामने खुलने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, स्पेशली हमारे यंग फॉलोअर्स को। खैर सेफ रहें और सेफ्टी से इंटरनेट यूज़ करें, आपका काम भी बन जाए। अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सवाल आपके मन में उठ रहे हों या कोई भी दिक्कत आ रही हो तो अभी भी तो आप कभी भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।